भगवान की कथा सुनना, दूसरी भक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करना, तीसरी भक्ति भगवान के नाम का स्मरण करना, चौथी भक्ति भगवान के चरणों की सेवा करना। लड्डू गोपाल की सेवा कितने लोग करते हैं? बहुत लोग करते हैं। अच्छा सच्ची बताइयो, लड्डू गोपाल को भगवान मानते हो? उनमें है कि उनमें प्राण है, ऐसा मानते हो? तो अभी घर पे उनको लिटा कर आए हो तो पंखा एसी कुछ चल रहा है? सच्ची बताओ, नहीं चल रहा है। देख लीजिए, जब आप उनको जड़ मान रहे हो ना, तभी तो पंखा चला के नहीं आए। आप अभी घर में जाओगे तो बिना पंखा के रहोगे, बिना एसी के रहोगे? अगर देखिए, सेवा करिए, सेवा इतना आसान नहीं है। सेवक का जो कार्य होता है वो बहुत कठिन होता है। अगर सेवक का कार्य किसी को जानना है ना, तो श्री रामचरित मानस पढ़िएगा, भरत जी के चरित्र को पढ़िएगा। सबसे कठिन है सेवा का कार्य। अगर स्वामी धरती पे सो रहा है तो सेवक का हक नहीं है कि वो धरती पे शयन करे। तो आज से लड्डू गोपाल की जो लोग सेवा करते हैं, वो जब घर से आए तो पंखा एसी जो भी आपने लगा रखा है उसे चला कर आए। आपको गर्मी लगती है, भगवान को भी लगती है। आपको सर्दी लगती है, भगवान को भी लगती है। मुझे तो लगता है कि सर्दी में खूब भगवान को सर्दी जुकाम हुआ होगा, खूब खांसी हुई होगी, क्योंकि कपड़े तो पहनाए नहीं होंगे, है ना? देखिए, भगवान इतने बड़े हो या इतने बड़े हो, भगवान तो भगवान है। श्री रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है कि जब माता सीता विवाह के समय की ये बात है, जाती हैं माँ गौरी को मनाने के लिए, तो उनसे राम जी को पति के रूप में मांगती हैं कि हे गौरी माँ, आप ऐसी कृपा कर दें कि मुझे राम जी पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। तो उसमें लिखा है कि जब वो निवेदन कर रही थी तो खसी माल मूरत मुस्कानी, जब वो निवेदन कर रही थी तो दुर्गे माँ की जो प्रतिमा थी तो उसमें जो गले में माल पड़ी थी वो खसी खसी माल और मूरत मुस्कानी। माता सीता के वाक्य को सुन के, वचनों को सुन के दुर्गे माँ हंसने लगी और उनके गले की जो माला उतरी और सीता माँ की गोद में जा गिरी और कहा कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा क्योंकि प्रतिमा में भगवान होते हैं। मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि आप अगर पूजा करते हैं, आप अगर साधना करते हैं, आप माला का जाप करते हैं, तो आप श्रद्धा और विश्वास ये दोनों रखिए।